two vectors have unequal magnitude, can their sum be zero? इसके बारे में क्या देखते हैं कि आपके पास दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर, मतलब लाइन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, क्या उनका सम जीरो हो सकता है? कंडीशन है जिसमें सम आपका जीरो के बराबर होता है. एक तो हमने उसमें पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, आपका जो वेक्टर सम है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वो तो कंडीशन उसमें तो हो ही नहीं सकता. दूसरी कंडीशन हमने अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी रूल पढ़ी थी कि इसमें वेक्टर सम आपका जीरो हो सकता है. और तीसरी कंडीशन आपने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, इसमें आपका वेक्टर सम भी जीरो के बराबर हो सकता है. चलें लेट्स सी, देखते हैं उसके बाद इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे. नो द वेक्टर्स, नो द वेक्टर सम ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो. टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी कंबाइंड टू गिव अ जीरो रिजल्टेंट. आपके पास कोई भी दो वेक्टर हो और उनका मैग्नीट्यूड आप पास क्या है कि रिजल्टेंट उनका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, वॉट एवर दी ओरिएंटेशन में भी. However, the sum of the vectors, two vectors can be zero if both are equal in magnitude and opposite direction. तो ये वाली आपकी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि इस सूरत में आपका जो वैक्टर सम है वो जीरो के बराबर है, वो उस सूरत में जीरो होगा अगर तो उनका क्या है कि इस जो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, कि वो दूसरे के अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के. उनके जो है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है, तो इस सूरत में आपके ये वेक्टर सम जीरो हो सकता है. तो इसको हम रादर ड्रा करें तो ये आपका ए वेक्टर है, इसका जो अपोजिट डायरेक्ट वेक्टर होगा और आपका ये ए डैश है, उस सूरत में ही आपके पास जीरो हो सकता. तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि वो उनका जो मैग्नीट्यूड का बराबर होगा या उनका जो मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर तक होगा कि वो एक दूसरे की अपोजिट है. और सेकंड कंडीशन हमने क्या कही थी कि उनका वेक्टर सम क्या है कि तब इक्वल होगा जो वेक्टर एडिशन करते हैं. मैं आपके पास एक ट्राइंगल उसमें मैंने द समेशन ऑफ टू वेक्टर्स कैन ओनली बी जीरो व्हेन दे फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन. क्लोज पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की डेफिनेशन हम जानते हैं कि वो पॉलीगॉन उसको कहते हैं कि जिसकी टू आर मोर साइड्स हो. It is possible only for three or more vectors of equal magnitude to form a closed polygon. अगर वो क्या है कि आपके पास वैक्टर्स थे, अगर वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाते हैं तो उनका वैक्टर ये वैक्टर सम जीरो के बराबर हो सकता है. और जिसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्राइंगल है, क्वाड्रेटर हो सकते हैं, ये चार साइड हो सकते हैं, so on. But if the sum of two vectors has to be zero, अगर उनके वैक्टर लाजमी है कि जीरो के बराबर है, they must be इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. इसमें भी आपकी कि यह है कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपकी सपोज आपके पास ये पार्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वेक्टर आपका ए था. हेड टू टेल रूल में हमने पढ़ा था कि हेड ऑफ फर्स्ट वैक्टर जॉइनिंग द टेल ऑफ सेकेंड वैक्टर, तो ये आपका सेकेंड वैक्टर हो जाएगा. तो रिजल्टेंट आपका क्या होता था कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. तो ये आपके पास अगर हम देखें कि ये आपके पास वेक्टर एक है और ये वाला आपके पास वेक्टर डी है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता होगा. इस फॉर्म में देखें तो आपके पास ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाता है. अगर ओवरऑल इस शेप को हम देखें तो ये आपके पास एक क्लोज पॉलीगॉन या ट्राइंगल बनती है मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इसका वेक्टर सम क्या है कि जीरो के बराबर होगा. यानी हम जिस पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है इसको वो कहते हैं, इससे स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उस सूरत में जो आपका वेक्टर सम है कि वो जीरो के बराबर होता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क.